अस्सलाम वालेकुम, स्वागत है आपका मेरे चैनल पर जिसका नाम है डिजिट कैड एंड कंस्ट्रक्शन। आज के इस वीडियो में आपको एक 58x40 का एक प्लान बताया मैंने, जिसमें मैंने काफ़ी बढ़िया क्लाइंट के रिक्वायरमेंट के हिसाब से ग्राउंड फ्लोर पर मैंने इसमें 8 शॉप सेट किया है और थोड़ा सा कार पार्किंग वगैरह मैंने इसमें सेट किया है, एक गोडाउन है और बैक साइड में एक 1 BHK सेट किया है मैंने एज़ पर क्लाइंट के रिक्वायरमेंट के हिसाब से। तो देखिए, इसमें मैंने ग्राउंड फ्लोर पे जो मैंने जो दो पोर्शन इसमें सेपरेट किया है ताकि इनके फर्स्ट फ्लोर पे एक 3 BHK का पोर्शन हो और एक 2 BHK का पोर्शन हो, क्योंकि वो 2 बाई है तो उस हिसाब से अभी प्रेजेंट ही उस हिसाब से प्लान बना रहे हैं। कल के दिन अगर सेपरेट भी हो सके तो इस हिसाब से प्लान आगे कंटिन्यू रहेगा। तो चलिए डायरेक्टली आपको मैं प्लान शो करता हूँ। प्लान शो करने से पहले कहना चाहूँगा, अगर आप नए व्यूअर्स हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, साथ ही साथ बेल आइकन भी प्रेस कीजिए ताकि मेरे लेटेस्ट वीडियो जो भी अपलोड हो वो आपसे मिस ना हो। अगर आपको कोई पर्सनली प्लान वगैरह बनाना हो तो मुझे इस नंबर पर कॉन्टैक्ट कीजिए। प्लॉट की डिटेल्स और रिक्वायरमेंट क्लियरली बता देता हूँ, आने वाली वीडियोज़ में इंशाल्लाह मैं आपका प्लान बनाकर ज़रूर शो करूँगा। पर्सनली प्लान के लिए कुछ नॉर्मल से चार्जेस है, वो आप मुझे कॉन्टैक्ट करके पूछ सकते हो। तो चलिए डायरेक्टली मैं आपको प्लान शो करता हूँ। तो प्लान देखिए, ये प्रेजेंट इनकी प्लॉट का साइज़ है 58 फीट 8 इंचेस, ऐसे में 40 फीट 4 इंचेस। आप इसको 58 बाय ऐसे में 40 पकड़ के ही चले। तो उस हिसाब से देखिए, यहाँ पे ये जो आपको शॉप्स के जो कलर्स और डिफरेंट जो दिख रहे हैं, ये एक पोर्शन इनकेस फर्स्ट फ्लोर में ये 3 BHK सेट होने वाला है एक एक भाई के लिए। और एक भाई के लिए यहाँ पे 20x40 में फर्स्ट फ्लोर पे ये 2 BHK सेट होने वाला है। तो ग्राउंड फ्लोर प्रेजेंट ये बैक साइड 1 BHK और यहाँ पे ये 2 शॉप सेट हुए हैं। स्टेयरकेस ये कॉमन है ताकि कल के दिन कंटिन्यू रहे तो ये स्टेयरकेस ये कॉमन ही रहे। इनकेस सेपरेट भी करना चाहेंगे इनकेस बाद में तो ये जो शॉप नंबर 2 है यहीं से स्टेयर्स को लेके सीधा डायरेक्ट हॉल में एंट्री कर सकते हैं इनकेस फ्यूचर में। तो दोनों सोच के ये प्लान बनाया गया है, लेकिन प्रेजेंट ये एक ही स्टेयर्स रहेंगे फिल वक्त। तो चलिए डायरेक्टली मैं आपको उसका डिटेल में थोड़ा सा बताता हूँ। ये ऑलरेडी मैंने एक प्लान बनाया है, वो फर्स्ट ऑप्शन है, ये सेकंड ऑप्शन है। थोड़ा सा इसमें वेरिएशन हो गया है क्योंकि तो प्लान के हिसाब से थोड़े चेंजेस हो गए हैं इसमें। तो वो वीडियो अगर नहीं देखा है तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में उसकी लिंक दे दूँगा, आप वहाँ पर उस वीडियो को भी जाके आप देख सकते हो। प्रेजेंट ये ग्राउंड फ्लोर का प्लान है, फर्स्ट फ्लोर का प्लान जल्दी मैं आपको शो करूँगा आने वाले नेक्स्ट वीडियो में। तो इसके डायमेंशन अगर आपको एक्सप्लेन नहीं करूँगा वरना वीडियो काफ़ी लेंदी हो जाएगा, आप इसके स्क्रीन पर आप इजीली देख सकते हो। पहले आपको मैं ये 20x40 का एक पोर्शन आपको एक्सप्लेन करता हूँ। तो 20x40 में मैंने शॉप 2 सेट किए हैं, जैसे कि आप इसमें कलर में भी वेरिएशन देख रहे होंगे, ये एक पोर्शन के लिए है। तो ये 11x10 का है और ये 6x9x10 का ये शॉप है और बैक साइड ये हॉल है। हॉल के लिए डोर मैंने यहाँ पे प्रोवाइड किया है ताकि इस तरफ से जो 10 फीट की जो यहाँ पे एंट्रेंस पार्किंग के अंदर आने के लिए एंट्रेंस है, यहाँ से आते हुए इस तरफ से हॉल में आने के लिए है। तो 14 फीट 2 इंच 14 फीट है और जो अटैच एक कॉमन मैंने डब्ल्यू से बात दिया है वो 4 फीट बाय 7 फीट का है। और यहीं पर एक डक लिया है ताकि इस हॉल में विंडो और इस तरफ वेंटिलेटर प्रोवाइड किया जा सके। और बैक साइड मैंने एक बेडरूम, इधर किचन यूटिलिटी मैंने प्रोवाइड किया है। बैक साइड मैंने थोड़ा सा 1.5 फीट साइड बैक छोड़ा है ताकि इस बेडरूम वेंटिलेटर विंडोज़ वगैरह लगाने के लिए और इस तरफ किचन के लिए रोशनी आने के लिए ऑप्शन हो, इनके फर्स्ट फ्लोर में भी प्रॉब्लम ना हो क्योंकि डक्ट वरना और एक देना पड़ेगा मुझे अगर वो टोटल जगह अगर यूज़ किया जा सकता है। तो डायमेंशन देखिए, बेडरूम का 10 फीट बाय 6 में 11 फीट 9 इंच है, किचन का 8 फीट 2 इंच बाय 9 फीट का ये किचन मिल रहा है। इधर लग के मैंने कि किचन को लग के यहाँ पे यूटिलिटी भी प्रोवाइड किए हैं 3 फीट की, जैसे आप देख सकते हो। और यहाँ पे मैंने एक 4 इंच की बाउंड्री वॉल भी ले ली है, आप अपने हिसाब से 4-5 फीट हाइट लेके ऊपर चाहते हो इजीली ग्रिल वगैरह लगा सकते हैं सेफ्टी के लिए। तो ये 1.5 फीट आपको आउटसाइड ही रहेगी ताकि उस तरफ से वेंटिलेशन ईजिली आ सके। तो ये तो हो गया प्रेजेंट ग्राउंड फ्लोर पे। अब फर्स्ट फ्लोर पे ये 2 BHK इसमें मैं सेट करने वाला हूँ। तो इसमें कॉलम भी मैंने शो किया है, जैसे आप देख सकते हो यहाँ पे इसमें मैंने कॉलम 12 कॉलम सेट किया है लाइन लेवल मेंटेन करते हुए। और ये वाला जो पोर्शन है जो आपको इस क्लियरली यहाँ पे दिख रहा है, जो इसमें ये इसमें 20 फीट माइनस होगा आपको, तो करीब ये आपको
38 फीट में आपको ये बन रहा है, 38 बाय ऐसे में 40 में आपको ये बन रहा है। तो इसमें मैंने 6 शॉप सेट किया है, जिससे कि आप देख सकते हो इस तरफ ये 4 है और यहाँ पे ये 2 है। यहाँ पे मैंने बीच में एक पार्किंग में जाने के लिए एक रास्ता छोड़ा है 10 फीट का, और बैक साइड एक छोटा सा गोडाउन है। तो मेरे क्लाइंट चाहते थे कि एक्स्ट्रा एक रूम हो गोडाउन टाइप में, बाद में यूज़ किया जा सके, या प्रेजेंट चुप एक वॉचमैन रूम हो जाएगा या गेस्ट रूम हो जाएगा, जो भी है एक्स्ट्रा एक। और यहाँ पे एक 3 फीट का पैसेज है, जो 4 इंच की बाउंड्री वॉल आने के बाद में आपको क्लियरली इनर ट्रेन 2 फीट आंटी मिलेगा। तो इस तरफ से भी आने के लिए आपको एक वे रहेगा, क्योंकि दो तरफ रोड है इसको। फ्रंट साइड यहाँ पे 30 फीट की रोड है और यहाँ पे लेफ्ट साइड में 15 फीट की रोड है आपको। तो ये कॉर्नर प्लॉट है, इसके डायमेंशन अगर आप देखिए, 3rd नंबर शॉप का और 4th नंबर शॉप का, 5th नंबर शॉप का, क्लियरली आप स्क्रीन पे देख रहे होंगे। मैं इसको ज़्यादा डिटेल में एक्सप्लेन नहीं कर रहा हूँ, क्योंकि वीडियो काफ़ी लेंदी हो जाएगा। तो गोडाउन का भी डायमेंशन देखिए और पार्किंग का भी देखिए, यहाँ पे 19 फीट बाय 16 फीट 4 इंच, ये 19 फीट यहाँ से यहाँ तक है। और अगर इस तरफ भी आपको एक्स्ट्रा स्पेस मिलेगी, इस तरफ एक किचन के स्टेयर्स के सामने, बिल्कुल स्टेयर्स आपको 7 फीट है, तो वो भी आपको इस तरफ मिलेगी। मैंने ये पार्किंग का एरिया थोड़ा सेपरेट रखा है, यहाँ पे एक मैंने एक स्टेप प्रोवाइड किया है इस तरफ, ये थोड़ा सा पार्किंग एरिया, इससे एक 6 इंच डाउन है तो एक स्टेप आएगा उस तरफ। तो ये काफ़ी बढ़िया प्लान सेट हुआ है, अगर आप इसी हिसाब से कुछ शॉप्स वगैरह अपने प्लॉट के लिए अगर सोच रहे हो, तो ये प्लान आपके लिए बहुत सूटेबल है। और इस तरफ स्टेरियस के पास मैंने विंडो वगैरह भी प्रोवाइड किए थे, आप देख सकते हो। तो काफ़ी बढ़िया बैठा है, क्लाइंट के रिक्वायरमेंट भी काफ़ी बढ़िया है। वो नीचे ग्राउंड फ्लोर कम्फर्टेबली क्या है, शॉप्स वगैरह सेट करके एक इनकम सोर्स के लिए वो ग्राउंड फ्लोर सोच रहे थे, क्योंकि वहाँ का जो लोकेशन है तो वहाँ पे शॉप्स वगैरह काफ़ी सूटेबल है। तो उस हिसाब से उन्होंने ये बनाया है नीचे ग्राउंड फ्लोर पे। फर्स्ट फ्लोर पे ये क्लाइंट 3 BHK इस तरह बनाना चाह रहे हैं, और इस तरफ ये 2 BHK। तो नेक्स्ट वीडियो में इंशाल्लाह मैं उसका भी प्लान आपको ज़रूर शो करूँगा। तो बस फिलहाल के लिए बस इतना ही बताना चाहता हूँ आपको इस वीडियो में। इसमें मैंने कॉलम भी शो किया है, आप चाहे तो इजीली देख सकते हो, मैं आपके स्क्रीन पर रख देता हूँ। ये कॉलम मैंने कहाँ पर प्रोवाइड किए हैं, इसकी ओरिएंटेशन क्या है, आप इजीली इसमें देख सकते हो स्क्रीन पर। आप चाहे तो इसका स्क्रीनशॉट वगैरह लेना चाहे तो भी ईजिली ले सकते हो। तो चलिए फिलहाल के लिए बस इतना ही, मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में कुछ नए प्लान के साथ, कुछ नए डेट के साथ। तब तक के लिए खुदा हाफिज़।